डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं आप, 10th क्लास में जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक न्यू जो चैप्टर शुरू किए हैं एनसीईआरटी के 13वां चैप्टर, और 13 नंबर चैप्टर में हम लोग अभी एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 13.1 को। 13.1 एक्सरसाइज के लिए जितना भी हम लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ा, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, आयतन, शंकु, अर्धगोले, गोले, तो उसी से रिलेटेड 13.1 एक्सरसाइज में हम लोगों को क्वेश्चंस है। अब आपको जैसा बताते चले, 13.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 नंबर तक के कंप्लीट किया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, आपको दिखाना चाह रहे हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। जी हाँ, यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़िए, लिखा हुआ है कि एक तंबू है एक बेलन का आकार का जिस पर एक शंकु रखा हुआ है। तो चलिए, फिगर इम्पोर्टेंट इसमें रहता है, आप एक बेलन बनाइए। ये रहा हम लोगों को बेलन, ठीक है। अब इस तरीके का बेलन है, आप बेलन बना लीजिए, और इसी बेलन पे क्या रखा हुआ है, एक शंकु रखा हुआ है इसके जैसा, देख पा रहे होंगे। इस पूरा का एक तरह का नाम है, ये क्या है, तंबू, ठीक है। एक बेलन है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, रखा हुआ है। फिर आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग का ऊंचाई 2.1 है, ऊंचाई और व्यास क्रमशः लिखा हुआ है, का मतलब ये हुआ कि पहले ऊंचाई के बारे में बोला, तो ऊंचाई हो गया 2.1 मीटर और व्यास हम लोगों को 4 मीटर है। यानी बेलन के बारे में बोला कि यहां से यहां तक के व्यास कितना है, 4 मीटर टोटल व्यास है, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या बिल्कुल व्यास का आधा होगा। तो व्यास हम लोगों को दिया है सवाल में, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यास हम लोगों को दिया है 4 मीटर, तो त्रिज्या कितना होगा, तो d/2, व्यास का आधा यानी कि 4/2, यानी कि बोले तो 2 मीटर। यानी व्यास हम लोगों को, त्रिज्या कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर होगा। अब बताइए, बेलन के लिए जब हमको त्रिज्या पता चल गया, तो शंकु के लिए भी तो त्रिज्या उतना ही होगा, इसलिए उतना होगा भाई, क्योंकि ये जो शंकु है किस पर रखा गया है, बेलन पर रखा गया है, तो जितना बेलन का होगा उतना ही शंकु का भी त्रिज्या होगा, इसलिए त्रिज्या हमको कितना पता चल गया, 2 मीटर। और बेलन का ऊंचाई के बारे में बात किया जाए, तो ये भी हम लोगों को दिया है, ऊंचाई बोले तो h का वैल्यू 2.1 मीटर, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है बेलनाकार भाग का ऊंचाई और व्यास, तो ऊंचाई हो गया 2.1, व्यास 4 था, उसका त्रिज्या निकाल चुके हैं, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 है। अब शंकु के तिर्यक ऊंचाई का मतलब हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं हम लोग L, और L का वैल्यू दिया है 2.8 मीटर, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है भाई, तो तिरछी ऊंचाई, तो तिरछी ऊंचाई हम लोगों को, शंकु को L से सूचित करते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है तिर्यक ऊंचाई कितना, 2.8 मीटर, यानी कि L का भी वैल्यू दे दिया 2.8 मीटर। तो यहाँ पे हमको दिया जा रहा है कि तिर्यक, देख पा रहे हैं आप, तिर्यक ऊंचाई दिया है 2.8 मीटर, इसको भी हम लोग मेंशन कर लिए हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, तो इस तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि ऐसा तंबू बनाने में टोटल कितना कैनवास लगेगा। अब कैनवास क्या है, तो कैनवास उसको कहते हैं जिसको ढकने वाला, यानी कि जब हम लोग हाथ ये दिख रहा है इस पे ग्लव्स पहनते हैं, वही एक तरह का बोल सकते हैं कि उस पे कितना कपड़ा लगेगा, कितना कैनवास लगेगा, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास का लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार कैनवास से नहीं ढका जाता है। अब तंबू है ये, तंबू का आधार, आधार का मतलब नीचे वाला भाग जो है, ये कैनवास से नहीं ढका जाता है, यानी कि नीचे वाला आधार को छोड़ करके कैनवास यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से नीचे वाला का कैनवास नहीं लगाना है, आधार को छोड़ करके हम कैनवास लगा रहे हैं, मतलब उसको कवरिंग कर रहे हैं, ठीक है।
और फिर ये बोला गया कि 1 मीटर स्क्वायर का 500 रुपया लगेगा, तो टोटल कितना लागत आएगा, कितना खर्च निकल आएगा। तो सबसे पहले हम लोग तंबू में लगने वाला कैनवस का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। कैनवस का क्षेत्रफल, तो कैनवस का क्षेत्रफल कहाँ कहाँ लगाएंगे भाई? नीचे तो लगाना नहीं है, तो बेलन का चारों तरफ से लगाएंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में कौन सा? तो तंबू वाला में यही ना लगेगा, तो इसको तो हम लोग कहते हैं कौन सी? शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तबे ना, क्योंकि नीचे तो लगाना नहीं है और अंदर तो घुस के हम लोग कपड़ा नहीं लगाएंगे, यानी कि ये भी इसको भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग कैनवास यानी कि ऊपर बाहरी तरफ से कितना लगेगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु के वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 πr h। शंकु के वक्र पृष्ठ, तो इसका फार्मूला याद करवाए हैं, πr l। तो 2 के जगह पे तो 2 रखना है, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे त्रिज्या 2 मीटर और एच के जगह पे 2.1 मीटर। इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। फिर प्लस है पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 2 मीटर और एल, एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई 2.8। इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा और जितना मीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका अलग निकालिएगा, इसका अलग पहले, और फिर बाद में दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जितना मीटर स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा एक आंसर, क्योंकि इसमें दोनों सवाल बोल रहा है। पहला तो ये कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरा कि कितना लागत लगेगा, दो को सवाल हुआ इसमें। तो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, उसके नीचे फिर निकल जाएगा, तो अब लिखिएगा, अब कुल लागत, कुल लागत, तो कुल लागत कैसे निकालेंगे? तो कुल लागत निकालने के लिए जब 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 500 है, तो जितना मीटर स्क्वायर आएगा यहाँ पे क्षेत्रफल, उसको 500 से गुना कर देंगे, उतना जितना गुना करके आएगा उतना रुपया का लागत लगेगा। तो इस तरीके से आपको खुद से सॉल्यूशन करना है क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, तो इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिर से चलिए इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है? ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन में से। सबसे पहले बात आप समझिए क्या बोल रहा है, एक ठोस बेलन है, ये हुआ हम लोगों को बेलन, ठीक है, ये हम लोगों को बेलन है, बेलन का फिगर तो ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इस बोल बेलन का ऊंचाई के बारे में बोला जा रहा है कि यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है भाई, तो इसका ऊंचाई हमको 2.4 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि इसको हम लोग एच कह सकते हैं, ठीक है, एच का वैल्यू बेलन का हम लोगों को दिया है 2.4। अब इसका व्यास कितना है, तो व्यास तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको कहते हैं पूरा व्यास। और त्रिज्या निकालना होगा, तो इसका आधा करेंगे, यानी 1.4 का आधा हुआ 0.7, ये हो गया हम लोगों को त्रिज्या, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, यानी कि व्यास एक ऐसा शंकु इसमें से काटेंगे, ऐसे करके देख लीजिए, इस तरीके से एक शंकु काटा जाता है। तो जब शंकु कट गया, इसमें से शंकु को काट कर निकाल लिया जाता है, तो आप एज्यूम कीजिए कैसा फिगर बनेगा इधर, तो आपको हम फिगर दिखाते हैं कैसा फिगर बनेगा। तो ये हुआ हम लोगों को ऐसे, ठीक है, और ऊपर वाला तो रहेगा ही रहेगा, और यहां से ऐसे। अगर हम लोग एक शंकु को यहां से काट लेंगे, तो ऐसा ही नजर हमें आएगा फिगर, ये वाला जो फिगर है
ऐसा ही नजर आएगा। अब क्या बोल रहा है कि इस बेलन में से उतना ही व्यास वाला एक शंकु और उतना ही ऊंचाई वाला एक शंकु जो है काट लेते हैं। शंकु का ऊंचाई तो यही ना हो गया टोटल 2.4 सेंटीमीटर, तो बोला जा रहा है कि उतना ही ऊंचाई वाला और उतना ही व्यास वाला एक शंकु इसमें से काट के निकाल लेना है, तो ऐसा फिगर बचेगा। अब इसका ही हमें क्या करना है, ठोस का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ऊंचाई दिया है बेलन का कितना भाई, तो बेलन का ऊंचाई हम लोगों को दे चुका है, एच वैल्यू दिया है 2.4 सेंटीमीटर। हमको डी व्यास दिया था कितना, 1.4 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या निकाल सकते हैं डी बाई टू, 1.4/2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.7 सेंटीमीटर। तो आर का मान हमको पता चल गया 0.7 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू हमको पता चल गया 2.4 सेंटीमीटर। अब बताइए कि यहाँ पे एक्चुअली बात कर लेते हैं कि ऊंचाई का वैल्यू तो हमको दे दिया है और डी यानी कि व्यास का वैल्यू दिया है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर का वैल्यू डी बाई टू यानी कि 1.4/2 यानी कि 0.7 हो गया आर का वैल्यू। अब आप ये बताइए कि जब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो बेलन का वक्र लेकिन ये वाला शंकु का भी वक्र क्योंकि यही वाला ना। अब ये वाला निकालने के लिए तो हमको तिर्यक ऊंचाई चाहिए, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक हमको एच का वैल्यू हमको दिया है, एच कितना है 2.4 और आर कितना है, त्रिज्या तो हम लोगों को 0.7 है, इसलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि इसका तिर्यक ऊंचाई निकालिएगा। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला है एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब रूट अंडर एच का स्क्वायर, एच माने हाइट इसका कितना है 2.4 का स्क्वायर करिएगा प्लस 0.7 का स्क्वायर करिए, यानी कि इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों के जोड़ देना है, जोड़ने के बाद आपको वर्गमूल निकालना है जो भी आएगा। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों के जोड़ के और पूरा का वर्गमूल निकालना है, जितना आएगा ये वाला ये हम लोगों को किसका वैल्यू होगा, एल का। जब एल का वैल्यू निकल गया तो अब लिखिएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कैसे, ठोस का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हम पहले ही डिस्कस किए हैं, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि इस केस में आप बताइए बेलन का ये वाला पार्ट का मतलब बेलन का ये वाला भाग को कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसमें तो बेलन का वक्र जोड़ेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ेंगे प्लस ऊपर वाला तो वृत्त वाला क्षेत्रफल, ऊपर वाला गोलाकार तो रहेगा रहेगा, यानी ऊपर वाला को प्लस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस प्लस अंदर वाला का शंकु का ये वाला। तो इस पार्ट को हम कहते हैं क्या, वक्र पृष्ठ, यानी कि प्लस में लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। आप बताइए कि इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो जरा आप हमको इसको सॉल्यूशन दिखा देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको बता चुके हैं 2πRh प्लस ऊपर क्या है, ऊपर वाला वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस फिर है शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का मतलब ये वाला शंकु का वक्र पृष्ठ का होता है πRL, तो πRL ऐड कर देंगे। अब बताइए 2 का जगह पे 2, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर के जगह पे कितना रखना है, आर के जगह पे रखना है 0.7, तो 0.7 प्लस पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.7 का स्क्वायर प्लस इस पाई का मान 22/7 गुने आर 0.7 इंटू एल। एल किसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ जो आपको आएगा
वही वाला एल जो है यहाँ पे रख देना है, और सबको पहले गुना कर देना है बारी बारी से, और लास्ट में जब तीनों को आ जाएगा तो फिर तीनों को ऐड कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोगों को आंसर आएगा। चलिए 13.1 का ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी कि इसमें टोटल 9 क्वेश्चन है। अब 9वां क्वेश्चन को हम लोग लास्ट है, अब इसको हम लोग समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग पहले देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस बोल रहे हैं। तो पहले बोल रहे हैं, लकड़ी की एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, बेलनाकार है लेकिन दोनों तरफ से गड्ढा कर दिया गया, इधर से भी गड्ढा कर दिया गया, इधर से भी गड्ढा कर दिया गया, और कैसा गड्ढा, तो अर्ध गोलाकार, ये भी अर्ध गोलाकार, ये भी अर्ध गोलाकार, इन दोनों तरफ अर्ध गोलाकार गड्ढा बना दिया गया है। तो एक ऐसा वस्तु बनाया जाता है जैसा कि आकृति 13.11 में दिखाया जा रहा है। यदि बेलन की ऊंचाई टोटल कितना है, 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या इतना है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। चलिए सवाल समझते हैं भाई। सबसे पहले सवाल क्या बोला जा रहा है कि एक बेलन है, अब बेलन बनाइए, ठीक है, ये हो गया हम लोगों का बेलन, और इस बेलन का ये हम लोगों को बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, और इधर से ऐसे बना देते हैं बेलन, और बोला जा रहा है कि इधर से भी एक अर्धगोला अर्धगोलाकार कटोरा और इधर से भी एक अर्धगोलाकार कटोरा निकाल दिया जाता है काटकर। तो आप सोचिए, निकल जाएगा इतना तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है, ये भी निकल गया। तो जब ये निकल गया तो बोल रहा है कि इस वस्तु का कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। बेलन का ऊंचाई सवाल में दिया है h बराबर 10 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या का बात करें तो त्रिज्या r का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो बेलन का त्रिज्या होगा 3.5, वही ना होगा हम लोगों को अर्ध गोला का भी त्रिज्या। तो इस तरीके से अब हमको टोटल निकालना है। तो सबसे पहले ये तो यहाँ से यहाँ तक कट गया, यहाँ से तो यहाँ तक निकल गया, तो हम कैसे कैसे निकालेंगे भाई। तो ये वाला तो रहेगा बेलन का, चारों तरफ ये रहेगा ही, और अंदर वाला खाली ये वाला रहेगा। तो अंदर वाला का ये वाला, यानी कि इसको कहेंगे अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, क्योंकि इधर तो ये सब तो निकल गया है ना, हम गड्ढा कर दिए हैं। तो सोचिए, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मान लिया कि इधर से गड्ढा करेंगे तो ये वाला जहां हम उंगली रख रहे हैं ये सब तो रहेगा नहीं, डायरेक्ट ये वाला नजर आएगा। सेम थिंग्स यहां के बाद इधर वाला नजर आएगा, क्योंकि गड्ढा हो गया है दोनों तरफ। तो जब ये गड्ढा हो गया है तो कैसे कैसे भाई, तो ये वाला गड्ढा वाला को बोलेंगे अर्ध गोलाकार का वक्र पृष्ठ। कै गो, तो दो गो, एगो इधर वाला नीचे वाला, एगो ऊपर वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि एगो का निकाल के और दो से गुना कर देंगे तो ऊपर नीचे वाला दोनों अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, और बेलन का ये वाला, ये क्या है, तो बेलन का खाली चारों तरफ का वक्र पृष्ठ, यानी कि हम बोल सकते हैं कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दो गुना अर्ध गोले का, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस दो गुना क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अर्ध गोले का एगो ये और ये गो ये, तो दो गुना अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ध्यान रखिए, हम लोग दो से क्यों गुना कर रहे हैं, क्योंकि अर्ध गोला दो गो था, और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि इधर तो सब निकाल दिया गया है, गड्ढा कर दिया गया है। अब दो गुने अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला हम बताए हैं 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, सब का मान रख देना है, 2 से 2 से गुना करेंगे 4, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है तो 3.5 का होल स्क्वायर करिएगा, प्लस 2 × π का मान 22/7 और गुने r का वैल्यू, तो r क्या है, त्रिज्या, और त्रिज्या का वैल्यू दिया है 3.5 और गुने h यानी कि 10। अब इसका वैल्यू अलग आप सॉल्व कर लीजिएगा, पहले
गुना का, इसका गुना का अलग, और फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर दीजिएगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन काट छांट के कुछ ना कुछ आएगा, इसका काट छांट के ना प्लस में करते जाएंगे और लास्ट में जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से 7, 8, 9 तक के क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया और पूरे 13.1 को हम लोगों ने आज खत्म कर दिया। तो अगले क्लास में 13.2 स्टार्ट करेंगे। हालांकि स्टार्ट करने से पहले अगर कुछ नया फार्मूला यूज होगा तो उस नए फार्मूले को हम लोग जरूर सीखेंगे और फिर 13.2 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।